बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल सेफ एंड साउंड इन योर होम्स। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। नेशनल पब्लिक स्कूल प्रेजेंट्स ऑनलाइन क्लासेस फॉर योर स्टडी एंड योर हेल्प। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव डन पेज नंबर 29 इन आवर लास्ट लेक्चर। टुडे we will do page number 30 and 31. Kindly students, open your books. Page number 30. Dear students, आपको एक बात बताती चलूँ कि आपको ये बुक मैं पेन के साथ इसलिए सॉल्व करती हूँ ताकि आपको ऑन कैमरा डिजिट्स जो हैं वो क्लियरली नज़र आएँ, लेकिन आपने इसको पेन से नहीं करना, आपने बिल्कुल पेंसिल से काम करना है। द टॉपिक इज़ प्रीडेसर एंड सक्सेसर। पिछला ही टॉपिक अभी हमारा चल रहा है, प्रीडेसर यानी पहले वाला और सक्सेसर बाद वाला। रिकॉग्नाइज वेयर द सर्कल नंबर इज सक्सेसर और प्रीडेसर। आपने ये बताना है कि जिस नंबर को सर्कल किया हुआ, जिस नंबर पे ऐसे ये बॉक्स बना हुआ है, वो प्रीडेसर है या सक्सेसर है। अगर तो वो प्रीडेसर है तो आपने आगे लिख देना प्रीडेसर, जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है। अगर वो सक्सेसर है तो फिर आपने इसके आगे सक्सेसर लिख देना है, ठीक है। प्यारे बच्चों, ये देखें, ये पहला आपके लिए फिल हुआ हुआ है, 425 जो है वो इससे आगे वाला है, तो ये हो गया सक्सेसर, एस यू डबल सी ई डबल एस ओ आर, सक्सेसर। 374 एंड 375, 74 इससे पहले आता है तो ये है प्रीडेसर, पी आर ई डी ई सी ई डबल एस ओ आर, प्रीडेसर। 2532 2533, ये बाद वाला है, ये है सक्सेसर, एस यू डबल सी ई डबल एस ओ आर, सक्सेसर। उसके बाद है 1236 1237, 36 जो है वो पहले वाला है तो ये है प्रीडेसर, प्रीडेसर। 4231 4230, 30 जो है वो पहले आता है, 31 बाद में आता है, इस हिसाब से 30 जो है वो प्रीडेसर हुआ। 31 प्यारे बच्चों, अब ये मत समझना ना, ये धोखा ना खा जाना। देखें, ये बॉक्स बाद में है तो सक्सेसर हो गया, पहले है तो प्रीडेसर हो गया, बाद में है तो सक्सेसर हो गया, पहले है तो प्रीडेसर हो गया। ये आप अब ये देखें कि ये बेसिकली 30 पहले आता है, लेकिन बॉक्स उसको डिजिट को इधर लिख के बॉक्स बाद में लगाया तो बच्चे धोखा भी खा सकते हैं कि ये इस साइड पर है तो ये सक्सेसर होगा। तो बच्चों, आप लोगों ने धोखा नहीं खाना, ध्यान रखना है, अपने डिजिट को देखना, बॉक्स को नहीं चेक करना कि बाद में है या पहले है। तो 30 जो है वो पहले आता है 31 से, इसलिए ये प्रीडेसर होगा। 5323 5322, अब 23 आता है बाद में तो ये होगा सक्सेसर। अब देखें, इसमें आप ये भी सोच सकते हैं ये बॉक्स पहले लगा हुआ है तो प्रीडेसर आएगा, नहीं, आपने डिजिट को चेक करना है, 23 बाद में आता है, 22 पहले आता है, तो बाद में आएगा तो हम क्या लिखेंगे, सक्सेसर, एस यू डबल सी ई डबल एस ओ आर, सक्सेसर। ठीक है बच्चों, आगे देखें, 205 206 206 बाद में आता है, ये है सक्सेसर, एस यू डबल सी ई डबल एस ओ आर, सक्सेसर। उसके बाद है 637 638, 37 पहले आता है इसलिए ये आएगा प्रीडेसर, पी आर ई डी ई सी ई डबल एस ओ आर, प्रीडेसर। 525 524 24 पहले आता है, ये है प्रीडेसर, प्रीडेसर। 7625 7626, 25 पहले आता है तो ये क्या हो जाएगा, प्रीडेसर। 2892 2893 93 बाद में आता है तो ये आया सक्सेसर। 3542
3541, 42 बाद में आता है इसलिए ये सक्सेसर है। एट थाउजेंड टू हंड्रेड एंड नाइन्टी फोर बाद में पहले आता है और 95 बाद में आता है, तो ये 94 पहले आता है तो ये हो जाएगा प्रीडेसर। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट देखें, काउंटिंग इन थ्रीज फिल द मिसिंग नंबर्स, थ्री यानी के थ्री, काउंटिंग इन थ्रीज आपने तीन तीन के हिंसे पर काउंटिंग करनी है, 232। ठीक है, अब ये देखें 33, 34, 35, ये आ गया 35, थ्री थ्री की काउंटिंग करनी है, 36, 37, 38, तो ये हम लिखेंगे 238, 239, 240, 241, 42, 43, 44 आ गया। ठीक है, अब 44 के बाद तीन, 45, 46, 47, 247। ठीक है बच्चों, आगे देखें 462, 63, 64, 65, 465, 65 के बाद तीन डिजिट करें, 66, 67, 68, 468, 69, 70, 71, 471, 77 के बाद 78, 79, 80, 480, 350, 51, 52, 53, 353, 56 के बाद 57, 58, 59, 359, 362, 63, 64, 65, 365, और ये 68। उसके बाद है काउंटिंग इन फोर्स, अब आपने फोर में काउंटिंग करनी है, फिल इन द मिसिंग नंबर्स, 520, 21, 22, 23, 24, 524, 528, 32 के बाद फोर गिनेंगे, 33, 34, 35, 36, 536, 40 के बाद 41, 42, 43, 44, 544, 625, 26, 27, 28, 628, 633, 33 के बाद 4, 34, 35, 36, 37, 637, 641, 42, 43, 44, 644, ठीक है। उसके बाद है 415, 16, 17, 18, 19, 4, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 427, 28, 29, 30, 31, 431, 35 के बाद 36, 37, 38, 39, 439, काउंटिंग इन फाइव्स, अब आपने काउंट करना है फाइव में, ऊपर आपने काउंट किया था फोर में, उसके ऊपर आपने काउंट किया था थ्री में, अब हमने फाइव में काउंट करना है, 525, 550, or 555, 610, 615, 2025, 30, or 35, 700, 705, 710, 15, 720, 25, or 730। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया हमारा पेज नंबर 30। ये प्रीडेसर और सक्सेसर हमने किया है, यहाँ में हमने काउंट इन थ्रीज किया, काउंटिंग फोर्स और काउंट इन फाइव्स। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे पेज नंबर 31। ये बहुत ही मज़े का क्वेश्चन है, एडिशन फैक्ट रिव्यू, एडिशन फैक्ट्स रिव्यू, एडिशन फैक्ट्स रिव्यू, व्यू द चार्ट बिलो, व्यू द चार्ट बिलो, द सम ऑफ थ्री इज शोन where the row for the ended one and the column for ended two meet
वन प्लस टू थ्री। देखें ये इस साइड को बोलते हैं रो और ये नीचे वाली सीधी साइड जो थी उसको बोलते हैं कॉलम। जो रो है वो एंड हो रही है वन पे। अब यहाँ देखें ये जो रो है अगर ये वन पे एंड होती है एंड द कॉलम एंडेड टू, और कॉलम जो है वो एंडेड होता है टू पे, तो वन और टू हो जाएगा थ्री। ठीक है, यानी कि क्या होगा ये कॉलम, ये रो है वन और ये कॉलम है वन, वन और वन टू हो जाएगा। ठीक है, राइट द सम एंड कंप्लीट द चार्ट बिलो, ऐड द एडेंड्स बाय कॉलम एंड रो। देखें प्यारे बच्चों बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप ज़रा ध्यान से सुने। सबसे पहले हम ये हमारे पास रो है, इधर देखें ये गौर करें, ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव, ये एक हमें रो दे दी गई है और ये हमारे पास एक कॉलम है, ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये रो है और ये कॉलम है। अब हमने इस कॉलम को इस रो के साथ ऐड करते जाना है। क्या करना है ये देखें, ऐड प्लस का निशान देख रहे हैं, ऐड करते जाना है। हमने एक एक डिजिट पकड़ना है, पहले यहाँ से एक डिजिट पकड़ा, ज़ीरो को ज़ीरो के साथ ऐड किया ज़ीरो आ गया, ज़ीरो को एक डिजिट को पहले पूरी रो के साथ कर देते हैं फिर दूसरा डिजिट करेंगे। ज़ीरो को वन के साथ ऐड किया वन आ गया, ज़ीरो को टू के साथ ऐड किया टू आ गया। अब हम इसी ज़ीरो को थ्री के साथ ऐड करेंगे तो थ्री आ जाएगा, इसी ज़ीरो को इस फोर के साथ ऐड करेंगे फोर आ जाएगा, ज़ीरो को फाइव के साथ ऐड करेंगे फाइव आ जाएगा, ज़ीरो को सिक्स के साथ ऐड करेंगे तो सिक्स आ जाएगा। ठीक है, अब हम अगले डिजिट पे चलते हैं। अब वन के साथ ज़ीरो ऐड किया तो वन आ गया, वन के साथ वन ऐड किया टू आ गया, वन के साथ थ्री टू ऐड किया तो थ्री आ गया। अब इस वन के साथ इस थ्री को ऐड करेंगे तो फोर आ जाएगा, इसी वन को फोर के साथ ऐड करेंगे तो फाइव आ जाएगा, इसी वन को फाइव के साथ ऐड करेंगे तो सिक्स आ जाएगा, इसी वन को सिक्स के साथ ऐड करेंगे तो सेवन आ जाएगा। जी बच्चों समझ आई है आपको, पहले हमने ज़ीरो को पकड़ा इन सब के साथ प्लस कर दिया, अब हमने वन को पकड़ा इन सब के साथ प्लस कर दिया, यानी कि पूरी कॉलम को हम रो के साथ प्लस कर देंगे। अब हम आगे लेते हैं टू, टू को ज़ीरो के साथ प्लस करेंगे तो क्या आएगा टू, अब इस टू को इस वन के साथ ऐड करेंगे तो आ जाएगा थ्री, अब इस टू को टू के साथ ऐड करेंगे तो क्या आएगा फोर, इस टू को थ्री के साथ ऐड करेंगे तो क्या आएगा फाइव, अब इस टू को इस फोर के साथ ऐड करेंगे तो आएगा सिक्स, इस टू को इस फाइव के साथ ऐड करेंगे तो सेवन, इस टू को सिक्स के साथ ऐड करेंगे तो आएगा एट। ये कंप्लीट हो गया, अब हम आगे चलते हैं थ्री। अब इस थ्री को पहले ज़ीरो के साथ ऐड करेंगे तो आएगा थ्री, ठीक है, अब इस थ्री को वन के साथ ऐड करेंगे तो आएगा फोर, थ्री को टू के साथ ऐड करेंगे फाइव, थ्री को थ्री के साथ ऐड करेंगे सिक्स, थ्री को फोर के साथ ऐड करेंगे सेवन, थ्री को फाइव के साथ ऐड करेंगे एट, थ्री को सिक्स के साथ ऐड करेंगे नाइन। ठीक है बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मज़ा आ रहा होगा आपको करने का। अब थ्री तक हम पहुंच गए, यहाँ मेरी फिंगर है, ये हम थ्री तक पहुंच गए। पहले हमने ज़ीरो को पूरी रो के साथ प्लस किया, फिर हमने वन को किया, फिर हमने टू को किया, फिर हमने थ्री को किया, अब हम करेंगे फोर को। अब इस फोर को जब हम इस ज़ीरो के साथ प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फोर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इस फोर को हम इस वन के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फाइव, इसी फोर को इस टू के साथ ऐड करेंगे तो सिक्स आएगा। ठीक है, अब इस फोर को इस थ्री के साथ ऐड करेंगे तो सेवन आएगा, इस फोर को इस फोर के साथ ऐड करेंगे एट आ जाएगा, इस फोर को इस फाइव के साथ ऐड करेंगे तो नाइन आ जाएगा, इस फोर को इस सिक्स के साथ ऐड करेंगे तो टेन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये फोर कंप्लीट हो गया, अब हम फाइव पे आते हैं। फाइव को ज़ीरो के साथ ऐड किया फाइव, फाइव को वन के साथ ऐड किया सिक्स, इस फाइव को इस टू के साथ ऐड किया सेवन, इस फाइव को इस थ्री के साथ ऐड किया एट, इस फाइव को इस फोर के साथ ऐड किया नाइन, इस फाइव को इस फाइव के साथ ऐड किया टेन, इस फाइव को इस सिक्स के साथ ऐड किया तो अलेवन। ठीक है बच्चों, अब ये फाइव तक हो गया। पहले हमने ज़ीरो को पूरी रो के साथ प्लस किया, फिर वन को किया, फिर टू को प्लस किया, फिर थ्री को किया, फिर फोर को, फिर फाइव को सारे डिजिट्स के साथ प्लस किया। अब लास्ट नंबर है सिक्स, इसको हम इस पूरी रो के साथ प्लस करेंगे। ये प्लस का साइन देखें, प्लस करेंगे, सिक्स को ज़ीरो के साथ ऐड करेंगे तो सिक्स आ जाएगा, सिक्स को वन के साथ ऐड करेंगे सेवन आ जाएगा, सिक्स को टू के साथ ऐड करेंगे एट आ जाएगा, सिक्स को थ्री के साथ ऐड करेंगे नाइन आ जाएगा, सिक्स को फोर के साथ ऐड करेंगे टेन आ जाएगा,
सिक्स को फाइव के साथ ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा, सिक्स को सिक्स के साथ ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा। जी प्यारे बच्चों, समझ आई है आपको? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वैसे अगर आप गौर करें तो ये देखें, जिस तरह से भी आप देखेंगे आपको काउंटिंग पूरी मिलेगी। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जहाँ से भी आप देखेंगे मुकम्मल आ जाएगा। लेकिन मेथड ये है कि हमने पूरी कॉलम को पूरी रो के साथ प्लस कर देना है, या रो को कॉलम के साथ। हमें यहाँ से लेकर चली हूँ, हम ऊपर से भी लेकर चल सकते हैं, लेकिन ये कि हमें सीधा मेथड यूज़ करना चाहिए। हम पूरी कॉलम के एक एक डिजिट को रो की पूरी लेन के साथ हम प्लस करते गए, ठीक है? और कितनी आसानी से सारा सॉल्व हो गया। जैसे ज़ीरो को ज़ीरो से प्लस किया, ज़ीरो को वन से प्लस किया वन आ गया, ज़ीरो को टू से प्लस किया टू आ गया, ज़ीरो को थ्री से प्लस किया थ्री आ गया। इसी तरह से अब जैसे यहाँ पे थ्री था, इसको ज़ीरो से किया तो थ्री आ गया, इसको फोर वन के साथ किया तो फोर आ गया, थ्री को टू के साथ किया तो फाइव आ गया। बिल्कुल एज इट इज़ सारे डिजिट मैंने आपको स्लोली स्लोली ये बॉक्स कम्प्लीट करवाया। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये बॉक्स समझ आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। राइट इन द मिसिंग एंडेड 4 + - इज़ इक्वल टू 10। अब प्यारे बच्चों, 4 में ऐसा क्या ऐड करेंगे कि 10 आ जाएगा? 4 में 6 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेंगे 6। अब 2 में क्या ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। जारी बात है 2 में 0 ही ऐड होगा तो 2 आएगा ना, ठीक है? उसके बाद 2 में क्या चीज़ ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। अच्छा, अगर आपको नहीं समझ आती कि हम क्या ऐड करें तो आप सिंपली ये 9 में से 2 माइनस करके दे सकते हैं। 9 में से अगर 2 आप माइनस कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, तो पीछे 7 बचता है, ठीक है? हम 7 यहाँ लेके देते हैं, 7 और 2 को आप प्लस करेंगे 9 आ जाएगा। अब यहाँ 7 में क्या प्लस करें कि 8 आ जाएगा। 7 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8। ईजी है क्वेश्चन। राइट इन द मिसिंग सम। अब ये हमने सॉल्व करना है। 7 और 0 को ऐड करें क्या आएगा? 7। 6 में 3 ऐड करें तो क्या आएगा? 9। 1 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 2। 2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 3। 3 में 2 ऐड करें? 5। 4 में 0 ऐड करें? 4। 4 जब 0 किसी में भी ऐड होता है तो वो सेम डिजिट रहता है। 6 में 2 ऐड करें? 8। 4 में 2 ऐड करें? 6। 8 में 1 ऐड करें? 9। जी प्यारे बच्चों, समझ आई आपको? ठीक है बच्चों, ये पेज नंबर 30 हमने किया है। इस पे हमने प्रीडेसर और सक्सेसर मेंशन किया है, फिर हमने काउंटिंग इन थ्रीज़ किया, काउंटिंग इन फोर्स किया और काउंटिंग इन फाइव्स किया। उसके बाद हमने ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा बॉक्स फिल किया है, जिसको वैसे तो शायद आपको समझना है, लेकिन अब जब आपको करवाया तो आप उम्मीद करती हूँ कि आप समझ गए होंगे कि ये बहुत ही आसान सा बॉक्स है जिसको फिल करना बहुत ईजी है। उसके बाद मिसिंग एंडेड है जो हमने फिल कर दिया, उसके बाद मिसिंग सम है जो कि हमने फिल कर दिया। उम्मीद करती हूँ आपको सारा दोनों पेजेस की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। आपका होमवर्क ये है कि आपने इन दोनों पेजेस को पेंसिल के साथ, दोनों पेजेस को बुक के ऊपर सॉल्व कर लेना है। उसके बाद रफ़ कॉपी पे, एक्स्ट्रा रफ़ कॉपी के ऊपर इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने, स्पेशली बॉक्स की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके पास अगले दो पेजेस 32, 33 लेकर हाजिर होंगी। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।